दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के हॉटस्पॉट्स पर निगरानी के लिए एक स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित की है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सेलसुरा के पास एक पुल से कार गिर गई है। हादसे में कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल संसद के बजट सत्र में फिर से लागू किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। नया प्रोटोकॉल 2 फरवरी से लागू होगा। देश में लगातार तीसरे दिन कम कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटे में 2,55,000 के करीब केस आए। कल के मुकाबले 50,190 कम मामले मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,760 केस सामने आए हैं। एक दिन में 30 लोगों की मौत। प्रदेश में भी धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 9,480 नए मरीज आए। वहीं 23 मरीजों ने जान गंवाई। जयपुर में मिले सबसे ज्यादा 2,424 नए केस। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला शहर में सभी सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई हैं। कुफरी में सबसे अधिक 5 फीट, डलहौजी में 2.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कोहरे ने अपनी चादर तान दी है। दिल्ली NCR में सुबह के वक्त घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तारों पर ब्रेक लग गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विपणन विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान सीएम गहलोत ने निर्देश देते हुए कहा कि स्वतंत्र मंडियों के गठन किए जाएंगे। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल का विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। MBS JK लोन अस्पताल में विकास कार्यों से निरीक्षण की शुरुआत हुई। मंत्री साले मोहम्मद आज पोखरण में 35 करोड़ 40 लाख के सड़क निर्माण सुंदर्यकरण कार्य और 934 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उपखंड कार्यालय पर नए मतदाताओं और चुनावों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया। सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। BDO राजप्रताप गोदारा ने पस में बैठक ली। बूंदी में सामाजिक समरसता के लिए अभूतपूर्व पहल हुई। दलित दूल्हे भी घोड़े पर बैठे बिंदौरी निकाल सके, इसके लिए जिला कलेक्टर सुशील रेणु जयपाल की पहल पर चढ़ी गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी पर बिंदौरी निकलवाई। सवाई माधोपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। मलारना दुगुर थाना इलाके में नाकाबंदी बढ़ाई गई है। स्वच्छता में कोटा को आगे ले जाने की मुहिम की शुरुआत की गई। GCI के सदस्य घर घर जाकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। नागौर के परबस्तर में पक्षियों के लिए 7 फ्लोर बंगला तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग फ्लोर और फ्लैट के हिसाब से एक साथ करीब 3,000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था की गई। सुमेरपुर तखतरण थाना क्षेत्र के पिचावा गांव में दुष्कर्म के बाद 10 साल के मासूम को कुएं में फेंका। सूचना पर SP समेत सुमेरपुर वृत्त के 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। खाजूवाला में पाक की नापाक हरकत सामने आई है। पाक नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आने का सिलसिला जारी। खाजूवाला के लोगों के पास व्हाट्सएप कॉल आ रही है। 4 महीने पहले गांव महनपुर से एक बच्चा लापता हो गया है। इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं परिजनों ने कपड़े और चप्पल के आधार पर बच्चे की पहचान की। बिलवाड़ा में मुकबधीर युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि युवती को ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से पिता और बड़ी बहन युवती को MG हॉस्पिटल लेकर गए।
जैसलमेर में लाइमस्टोन से भरी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में मालगाड़ी के डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और पटरी भी टूटकर बिखरी हुई। जोधपुर में 4 दिन पहले हुई 11 लाख रुपए की लूट के मामले का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है। श्रीगंगानगर के वासुदेव नगर में निजी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बच्चे अभी भी स्कूल आ रहे हैं, जबकि एक दिन पहले ही एक बच्चे की कोरोना से मौत का मामला सामने आया है। हिंडोली में वैक्सीनेशन में डोर टू डोर सर्वे में शिक्षक की ड्यूटी लगाने का विरोध किया गया।